हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। किसी आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तथा इसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 200 मीटर और ऑप्शन डी 250 मीटर। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। ओके, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है प्लॉट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर, ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है 2400 वर्ग मीटर या मीटर वर्ग। क्लियर है? ओके, वहीं अगली चीज़ दी हुई है भुजाओं का अनुपात। ठीक है, इसको हम लिखेंगे भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है ये 3:2। ठीक है, क्लियर है ना? वहीं हमको फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है परिमाप। आयताकार जो प्लॉट दिया हुआ है उसका परिमाप क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, इसलिए अभी हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्लॉट की भुजाएं मान लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना कि प्लॉट की भुजाएं 3x व 2x है, ये हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है? ओके, तब हम यहाँ पर लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है कि जो आयताकार प्लॉट है उसका जो क्षेत्रफल है 2400 मीटर है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो लंबाई अभी अभी हमने माना कि जो आयताकार प्लॉट है उसकी भुजाएं 3x व 2x है, तो लंबाई की जगह पर हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x गुने में चौड़ाई की जगह पे 2x और बराबर में क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दिया हुआ है 2400। ठीक है, अब 3 और 2 का या फिर 3x और 2x का गुना करेंगे तो कितना आएगा मान, 3×6 x² बराबर में 2400। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। और अब देखिए इस 6 का हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। ओके, तो पक्षांतर करने पर x का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 2400/6 हो जाएगा। ओके, अब चलिए 2400 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 शून्यम 0 और 6 शून्यम 0। इस तरीके से x का वर्ग बराबर क्या आ रहा है, तो x का वर्ग बराबर आ रहा है 400। ओके, अब देखिए x के साथ यहाँ पे जो वर्ग है यानी कि x के ऊपर में जो 2 है वर्ग है, उसका हम पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे यानी कि 400 के साइड पे, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 400। ठीक है, क्लियर इतना? अभी जो 400 है वो किसका वर्गमूल है या किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 20 का, इसलिए वर्गमूल 20×20 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 20×20 का मान क्या आएगा, 400 आएगा। क्लियर है? ओके, अब एक जो 20 है वो वर्गमूल के साथ में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, तो यहाँ पे बच रहा है 20, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर क्या आ रहा है, तो x बराबर आ रहा है 20। वहीं इसकी मात्रा की इकाई की बात करें तो ये होगा 20 मीटर। क्लियर इतना? ओके, तब हम भुजाओं की गणना कर लेते, तब भुजाएं बराबर, तो पहली भुजा हमने मानी थी 3x, तो यहाँ पर अगर x का मान रखें तो ये हो जाएगा 3×20 और 20 दिया कितना होता है, 60 होता है, तो 20 दिया 60 मीटर, यह आ गई पहली भुजा। ठीक है, अब दूसरी भुजा की बात करें तो दूसरा भुजा जो है हमने माना था 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इस x का मान रखें तो यह जाएगा 2×20, इस तरीके से आ रहा है 20×40, 40 मीटर। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि जो 60 मीटर आया वो लंबाई है पहली भुजा और जो 40 मीटर आया वो चौड़ाई है दूसरी भुजा। क्लियर है? ओके, अब चलिए हमारे पास भुजाओं का मान आ गया है निकल कर, अब हम लोग जो आयताकार प्लॉट है उसकी परिमाप की गणना करते हैं। ठीक है, इसलिए हम आप लिखेंगे इसलिए परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, परिमाप का सूत्र होता है 2×लंबाई / चौड़ाई।
ठीक है। अब इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं, तो दो ब्रैकेट के अंदर गुने में लंबाई हमने कितना निकाला, तो 60 प्लस में चौड़ाई कितना निकाला, 40, ठीक है ब्रैकेट क्लोज। अब 60 और 40 को जब जुड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 ये हो जाएगा 100, ओके कोष्टक के अंदर। अब जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो ये दो के साथ में गुना हो जाएगा 100, ठीक है। कोष्टक हटने पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अब आगे जब दो का गुना 100 से करेंगे तो मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। जो परिमाप आ रहा है आयताकार प्लॉट का वो कितना आ रहा है, तो आ रहा है 200 मीटर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। हमको आयताकार प्लॉट का परिमाप ज्ञात करना था जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा 200 मीटर। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 200 मीटर दिया हुआ है, ओके ओके। तो जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी में 200 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 मीटर, ठीक है। किसी आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तथा इसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, तो उस प्लॉट का परिमाप क्या होगा, तो उस प्लॉट का परिमाप होगा 200 मीटर, ठीक है, या उस प्लॉट के परिमाप का मान क्या होगा, तो वो होगा 200 मीटर, क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।